हेलो नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त प्रहलाद सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टेप फिल्म्स न्यूज। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी वीडियो में। आज हम बताएंगे कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे जी के आंदोलन का सातवां दिन है। 23 मार्च 2018 को यह आंदोलन शुरू किया था और आज 29 मार्च 2018 हो चुकी है। अन्ना जी के आंदोलन के आगे सरकार झुकी हुई नजर आ रही है, क्योंकि महाराष्ट्र के केंद्रीय मंत्री गिरीश महाजन जी लगातार 2 दिन से अन्ना हजारे जी से मिलने के लिए आ रहे हैं और बातें हो रही है कि अन्ना हजारे जी की जो भी मांगी थी उन मांगों को मान लिया गया है। उसके लिए आंसर पे बैठे थे, उसमें से 7-8 पॉइंट ऐसे हैं जिसके ऊपर आम सहमति हमारी हुई है, लेकिन 2 पॉइंट जो है, एक लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति जो है और एक कृषि मूल्य आयोग, ये दोनों के बारे में थोड़ा सा डिस्प्यूट हम लोगों का, डिस्प्यूट में नहीं कहूंगा, लेकिन अन्ना का कहना अलग है और पीएमओ ऑफिस का कहना थोड़ा अलग है। तो इसलिए सुबह वापस फिर से हम पीएमओ ऑफिस से बात करेंगे, संबंधित जो विभाग है, मंत्रालय है, उससे हम बात करेंगे, उसके बाद में ही ये विषय का मतलब फैसला हो सकता है। लगभग 11 मांगी थी, उनमें से मुख्य मांगे थी कि लोकायुक्त और लोकपाल बिल सशक्त बनाया जाए और किसानों का कर्जा माफ किया जाए और नीति आयोग को स्वतंत्र रूप से संवैधानिक रूप से पेश किया जाए, स्वतंत्रता दी जाए, इसमें सरकार का कोई भी नियंत्रण ना हो। कृषि मूल्य का जो आयोग का जो रिपोर्ट आता है ये काट छाट करते हैं तो किसानों को दाम नहीं मिलता। हमारा कहना है कि वो कृषि मूल्य आयोग है जैसे चुनाव आयोग है, ऐसे उसको दर्जा दे दो, संवैधानिक दर्जा, उसको स्वायत्तता दे दो, सरकार का नियंत्रण मत रखो उसको। जब तक सरकार का नियंत्रण है तब तक ये प्रश्न नहीं छूटेगा। अन्ना हजारे जी के कुछ मुख्य मांगे ये थी। बताया जा रहा है कि बीजेपी सरकार यानी कि मोदी सरकार ने अन्ना जी की मांगों को मान लिया है, मगर फिर भी अन्ना जी ने अभी तक अपना अनशन खत्म नहीं किया है, क्योंकि अन्ना जी चाहते हैं कि हमें आश्वासन नहीं चाहिए, हमें लिखित में बताए कि आखिर कब तक ये जो हमारी मांगे हैं इन मांगों को मान लिया जाएगा, हमें एक तारीख दे, उस तारीख को हमें लिखित में दे, तभी मैं अपना अनशन खत्म करूंगा। अनशन पर बैठे जब तक ये प्रश्न नहीं छूटते तब तक ये अभी क्या है, ये नौटंकी चल रही है, ये आता है जाता है, दूसरा आता है जाता है, उधर बोलते पीएम ऑफिस में चर्चा चल रही है, पीएम ऑफिस, अरे पीएम ऑफिस में, पीएम के दिल में अगर ये होता तो मैंने 43 पत्र लिखे ना, उस पर क्यों नहीं डिसीजन ले। अभी इस पर बातें हो रही है, क्लियर नहीं हुआ है, लिखित में अभी तक कुछ नहीं दिया है और अन्ना जी का आज 7वें दिन भी अनशन जारी है। लगातार अन्ना जी की तबीयत बिगड़ती जा रही है, रोजाना 1 से 1.25 किलो वजन लगातार घटता जा रहा है, आज 7 दिनों में लगभग 7 किलो वजन अन्ना जी का अब तक घट चुका है, ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो रहा है। मोदी सरकार को अन्ना जी की काफी चिंता हो रही है, कहीं अन्ना जी की तबीयत के चलते कुछ अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि 2019 का चुनाव सर के ऊपर है, यदि अन्ना जी को कुछ हो जाता है तो 2019 का चुनाव बीजेपी बुरी तरह हारेगी, और यदि अन्ना जी की बातें मान ली जाती है तो किसानों के लिए, पीएसएल के निवेशकों के लिए, जो भी चिट फंड कंपनियां फ्रॉड करके जा रही है उनके लिए अन्ना जी का ये आंदोलन सफल हो जाएगा। और अन्ना जी अपने लिए तो लड़ नहीं रहे, अन्ना जी तो किसानों के लिए और ऐसे फ्रॉड कंपनियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं जो अन्ना जी किसानों को न्याय दिलाना चाहते हैं और बीजेपी सरकार से को वो अपना किया हुआ वायदा याद दिलाना चाहते हैं जो उस समय चुनाव के समय मोदी सरकार ने किया था कि हम एक सशक्त लोकपाल बिल लाएंगे और सशक्त लोकायुक्त लाएंगे और किसानों के कर्जे को माफ करेंगे, मगर अभी तक किसानों का कर्जा माफ नहीं किया गया है, उसके लिए अन्ना जी पूरी तरीके से लड़ रहे हैं मोदी सरकार के विरुद्ध भी। जो 2011 में जब अन्ना जी ने आंदोलन शुरू किया था तो उस समय 8 दिन में इतनी तबीयत खराब हुई थी, जो अब 2018 के इस आंदोलन में अन्ना जी की तबीयत 3 से 4 दिन के अंदर खराब हो चुकी है। आइए
हम दिखाते हैं आपको रामलीला मैदान से सीधी कुछ वीडियोस जहां पर अन्ना जी का धरना प्रदर्शन चला हुआ है।